हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं करेंसी का दूसरा सिंबल यूएसडी आईएनआर नहीं जीबीपी आईएनआर लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसका जानेंगे प्रॉफिट टारगेट क्या है, कहाँ तक वो डाउनसाइड आ सकता है, कहाँ तक वो अपसाइड में जा सकता है। बहुत लोगों का पोजीशन उसमें अभी तक बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। इसमें 10, 20, 30 पैसे पे काम नहीं चलता है, इसमें 50 पैसे एक रुपए का मूवमेंट जनरल मूवमेंट माना जाता है। एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर हम लोग प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ नहीं करें तो हमारे फेवर में नहीं आएगा। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। सो यहाँ पे हमें अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, अपने एनालिसिस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आप इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर इस दोनों में कहीं भी कोई चूक है तो आई सजेस्ट कि इसमें ट्रेड ना करो। हाँ, अगर दोनों आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप बिल्कुल इसमें आओ एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके जाओ। चलिए देखते हैं, अभी जो जीबीपी आईएनआर का प्राइस चल रहा है वो प्राइस है फ्रेंड 105.20। जी हाँ, डेली मूवमेंट पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे सो रहा है। इस दिन लगभग आप मानो कि 1.25 पैसे का मूवमेंट आया, 1.25 रुपया का मूवमेंट सिंगल डे में आया। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। सो इसीलिए मैंने आपको बोला कि रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके हमें चलना पड़ेगा। अब जानते हैं ये जो भी अपने हमने अभी इसे देखा तो मेनली इसमें हमें ट्रेड किस तरह से करना होगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किस हद तक हम अपने ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ट्रेंड अपोजिट भी हो जाता है सडनली। सपोज कीजिए ये ट्रेंड अपसाइड में जा रहा है, अच्छा खासा ट्रेंड एंड फिर डाउनसाइड, यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड एंड देन एक अच्छा खासा डाउनसाइड। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एक अच्छा खासा रेंज में चल रहा है। तो यही देखते हैं कि आगे भी क्या ये अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा या एक फॉल आने का चांस है। फॉल आएगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, अपसाइड जाएगा तो टारगेट क्या होगा, अगर डाउनसाइड भी आएगा तो टारगेट क्या होगा, अपसाइड का स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एक अच्छा खासा डाउनसाइड आया, मतलब इस दिन ये गैप अप खुला था, लगभग 70 पैसे का अपसाइड था, फिर अचानक सडन फॉल, लगभग 50-60 पैसे का सडन फॉल हमें यहाँ देखने के लिए मिला। अब सवाल ये है कि क्या ये वापस रिकवर करेगा या डाउनसाइड आएगा। पहले जो रेंज था फ्रेंड वो इसका रेंज था इसमें, फिर न्यू रेंज वो शिफ्ट हुआ एंड ज़्यादा दिन इस रेंज में ट्रेड नहीं कर पाया। अब इसका जो रेंज है वो शिफ्ट हो गया कुछ यहाँ पे, हालांकि बीच में यहाँ भी आया बट यहाँ पे पहले कभी कोई भी सपोर्टिंग लेवल नहीं रहा है। सपोर्टिंग लेवल था ये 103.90 हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब अगर डाउनसाइड आता है तो हमें कहाँ तक वेट करना चाहिए, राइट। तो प्रीवियसली जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया लगभग 104.80 तक हमें वेट करना चाहिए अपना स्टॉप लॉस का, ठीक है। अगर 104.80, ये उनके लिए जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना के रखा है, 104.80 आता है, याद रखिए गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग में गैप डाउन मायने नहीं रखता, राइट। अगर ओपनिंग में ओपन ही हुआ 104.80 एंड देन वहां से 10 पैसे का गिरावट आया, आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ लॉन्ग पोजीशन कर लेना है, राइट। सो यहां पे जो अपने पास है स्टॉप लॉस वो है 104.80 का। अब जिनके पास अपसाइड पोजीशन है वो अपना अपसाइड पोजीशन 107.90 तक कैरी कर सकते हैं, मतलब क्या अभी उनके पास 1.6 पैसे का अपसाइड मूवमेंट बचा हुआ है। अगर इसको भी ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा 1 रुपए का मूवमेंट और हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो यहाँ पे हमें पोजीशन को कवर अप नहीं करना, वेट करना है रिट्रेसमेंट का, वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी बैंक निफ्टी खास करके बहुत सारे टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलते हैं एंड करेंसी में आपको हमारा
पता ही है किस तरह का हम लोग आपको ट्रेड देते हैं, एनालिसिस देते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको कट करने की पोजीशन नहीं है। जैसे ही इस प्राइस पे स्ट्राइक होगा मैं आपके सामने फिर से आऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तब आपको पोजीशन अभी शॉर्ट साइड का नहीं बैठाना। आपको कब बैठाना है? जब ये 103.85 को ब्रेक करे तब। एक रुपया कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा मोटा ट्रेड चाहे तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं, बट आपको वेट करना पड़ेगा। और कहा जाता है अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सिक्योर प्रॉफिट अर्न करने के लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप थोड़े बहुत लॉट लेकर के मार्केट में बने रह सकते हैं, बट आपका जो भी फंड है उसका 1-2% ही लेकर के बने रह सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू मी। सो उसके बाद जब ये ब्रेक करे 103.86, आप 1.25 रुपीज के गेन के लिए आपको वेट करना है 102.54 का, मतलब 102.5 अपना डाउनसाइड का टारगेट होगा, राइट। अगर डाउनसाइड में यहाँ पे आता है तो हमें अपना पोजीशन कट कर लेना चाहिए। अब आपसे पूछोगे आपने तो दोनों साइड का बता दिया, बट अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी ये एक अपसाइड में बना हुआ है। एंड अब मैं इलियट वेव के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ये अभी फिलहाल इलियट वेव को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी अभी इसका अपसाइड बाकी है, एंड यहाँ पे हमें एक अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी बाइंग का दिख रहा है, एंड हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है कि कल यानी मंडे को ये एक गैप अप के साथ भी ओपन हो सकता है, राइट। उस केस में एक अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मतलब करंट जो अभी सिनेरियो चल रहा है वहां से लगभग 2.6 पैसे का अपसाइड मूवमेंट बाकी है फ्रेंड। तो अपसाइड के लिए मैं अभी 60% हूँ, एंड डाउनसाइड के लिए फ्रेंड मैं अभी 30% हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो 10% है वो यहाँ इस रेंज में कुछ दिन तक रह सकता है साइडवेज, राइट। सो आप इस टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्लस खुद से भी थोड़ा सा जांच परख कर लो, आपको खुद के ट्रेड पे भरोसा होना चाहिए। सो आई रिकमेंड कि 107.90 का टारगेट लेकर के विथ स्टॉप लॉस 104.80 हमें अपसाइड मूवमेंट में बने रहना चाहिए। सो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक भी कर दो, हमें फॉलो करो, क्योंकि आपको यहाँ करेंसी मार्केट से के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी, टेक्निकल एनालिसिस एंड फैक्ट बेस मिलेगी, जो आपको ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाएगी। सो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।